क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में पहला टेस्ट मैच चल रहा है और इस मैच के लिए कुछ देर पहले टॉस हुआ और टॉस के दौरान बड़ा ही मजेदार ड्रामा हो गया जब भारतीय कप्तान विराट कोहली सिक्के की उछाल में तो हार गए लेकिन फिर भी टॉस जीत गए और विराट की ही मर्जी मैदान में चल गई। तो भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है और टीम में भी विराट ने बदलाव किया है, लेकिन आपको बताते हैं क्या हुआ टॉस के वक्त ड्रामा, साथ ही इंदौर टेस्ट का भी पूरा अपडेट, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच पेटीएम सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में पहुंचे तो मजेदार ड्रामा हो गया। पहले संजय मांजरेकर ने दोनों ही कप्तानों को इंट्रोड्यूस कराया और बांग्ला टीम की कमान मोमिनुल हक के हाथ में दी जो पहली बार बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे थे। विराट के हाथ में सिक्का था, विराट ने सिक्का उछाला तो सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरा। बांग्लादेश ने टॉस जीता और संजय मांजरेकर ने पूछा तो तुरंत बांग्ला कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया। अब बांग्लादेशी कप्तान ने पहले बल्लेबाजी की बात कही तो संजय मांजरेकर के साथ विराट कोहली भी हंसने लगे और मांजरेकर ने विराट से पहला सवाल यही किया कि आप तो हारकर भी जीत गए। विराट ने भी हाँ में हाँ मिलाई। असल में विराट कोहली टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे और टॉस हारकर भी उन्हें पहले गेंदबाजी ही मिल गई और इसीलिए विराट और मांजरेकर हंसने लगे। इसके बाद विराट ने टीम भी बताई। रांची में अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है, शाहबाज नदीम की जगह पर ईशांत शर्मा को टीम में लिया गया है, यानी कुल मिलाकर तीन तेज गेंदबाज शमी, ईशांत और उमेश टीम में है तो दो स्पिनर जडेजा और अश्विन को खिलाया गया है जबकि बल्लेबाज सारे के सारे वही है। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है, साथ ही बांग्लादेश के नौसिखिए कप्तान पर भी कमेंट करना ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।